हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर प्लांट गुरु चैनल। आई एम मृगिन प्रताप सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बॉयलर में ब्लो डाउन क्यों किया जाता है और बॉयलर में ब्लो डाउन करने के लिए IBT एंड CBD का यूज क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बॉयलर में ब्लो डाउन क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि बॉयलर में जो वाटर यूज किया जाता है और DM वाटर यूज किया जाता है, डीमिनरलाइज वाटर यूज किया जाता है, पर कभी कभी डोजिंग में फ्लक्चुएशन की वजह से जो बॉयलर ड्रम का वाटर होता है उसमें सिल्का या फिर कंडक्टिविटी हाई हो जाती है, उसे रिमूव करने के लिए हमें बॉयलर में ब्लो डाउन देना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो बॉयलर ड्रम में, जो बॉयलर के वाटर में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है सिल्का। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम हर शिफ्ट में जो बॉयलर ड्रम की जो लैब रिपोर्ट आती है वाटर की, उसको हर शिफ्ट में चेक करते हैं। यदि सिल्का का परसेंटेज हाई है तो उस कंडीशन में हम बॉयलर का ब्लो डाउन दे देते हैं, क्योंकि ब्लो डाउन बॉयलर ट्यूब में स्केलिंग होने से बचाता है। यदि हम बॉयलर में ब्लो डाउन नहीं करेंगे तो ट्यूब में स्केलिंग फॉर्मेशन होगा और ओवरहीटिंग होने की वजह से ट्यूब फेलियर होने की या फिर लीकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर देखा कि बॉयलर ब्लो डाउन क्यों किया जाता है। अब फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि बॉयलर में ब्लो डाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉयलर में जो ब्लो डाउन दिया जाता है वो दो प्रकार से दिया जाता है। एक को हम कहते हैं IBD और दूसरे को हम कहते हैं CBD। फ्रेंड्स, IBD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरमीडिएट ब्लो डाउन, और जो CBD का फुल फॉर्म होता है वो होता है कंटिन्यूस ब्लो डाउन। फ्रेंड्स, IBD और CBD का एक अलग भी नाम होता है, जिसे हम IBD को हम बॉटम ब्लो डाउन भी कहते हैं और जो CBD होता है उसे हम सरफेस ब्लो डाउन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार होती है बॉयलर में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो CBD होता है वो बॉयलर ड्रम के बीच से निकला हुआ होता है, पर जो IBD होता है वो बॉयलर ड्रम के बॉटम से निकला हुआ होता है। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है, चलिए अब ये देखते हैं। फ्रेंड्स, बॉयलर ड्रम के वाटर में जो इम्प्योरिटीज घुली हुई होती हैं, डिजॉल्व होती हैं, उसे रिमूव करने के लिए हम CBD का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, CBD की जो लोकेशन होती है बॉयलर ड्रम में वो बीच में होती है, ना टॉप में होती है ना बॉटम में होती है, बीच में होती है। और फ्रेंड्स, ये लोकेशन बीच में क्यों होती है CBD की, क्योंकि फ्रेंड्स जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज होती हैं वो मैक्सिमम जो स्टोर होती हैं वो वाटर के सरफेस में स्टोर होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम CBD की लोकेशन ऐसी जगह सेट करते हैं जहाँ वाटर का सरफेस हो, और फ्रेंड्स वहाँ से बॉयलर के इम्प्योरिटीज को, जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं उन्हें रिमूव कर लिया जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए हम CBD को सरफेस ब्लो डाउन भी कहते हैं। नेक्स्ट है IBD। बॉयलर ड्रम के वाटर में अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए, मतलब जो इम्प्योरिटीज घुली हुई नहीं होती हैं उन्हें रिमूव करने के लिए हम IBD का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, IBD को हम बॉटम ब्लो डाउन भी कहते हैं, क्योंकि जो इम्प्योरिटीज बॉयलर के वाटर में अनडिजॉल्व होती हैं, घुली हुई नहीं होती हैं, वो बॉयलर के बॉटम में आके स्टोर हो जाती हैं और उन्हें हम IBD के थ्रू रिमूव कर लेते हैं, इसलिए इसे हम बॉटम ब्लो डाउन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, CBD को हम कंटिन्यूस ब्लो डाउन इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि बॉयलर रनिंग में है तो उस कंडीशन में हम कंटिन्यूस ब्लो डाउन का वाल्व कुछ परसेंट ओपन रखते हैं, जिससे वह कंटिन्यूस ब्लो डाउन करते रहता है और जो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज हैं उन्हें रिमूव करते रहता है, इसलिए हम CBD को कंटिन्यूस ब्लो डाउन भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो IBD है इसका उस कंडीशन में यूज करते हैं जब बॉयलर में के बॉटम में अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज बढ़ जाती हैं, वो लैब रिपोर्ट में चेक करते हैं, यदि अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज का परसेंटेज हाई है तो उस कंडीशन में हम इंटरमीडिएट ब्लो डाउन कराते हैं, मतलब IBD का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा IBD एंड CBD का पूरा डिटेल, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि इस चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रॉपर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।